डेंगू कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, डेंगू में क्या खाना और पीना चाहिए, डेंगू का इलाज और रोकथाम कैसे कर सकते हैं। बारिश का मौसम आते ही अगर किसी को बुखार आता है तो हम यह सब चिंता करने लगते हैं कि कहीं वो डेंगू तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा रानी और आज हम डेंगू विषय पर चर्चा करेंगे। डेंगू एक आरएनए वायरस है जो फैमिली फ्लेविविरिडे और जीनस फ्लेवी वायरस में होता है। जीनस फ्लेवी वायरस के अंदर चिकुनगुनिया, जीका वायरस, येल्लो फीवर इत्यादि के वायरस पाए जाते हैं। डेंगू इन्फेक्शन मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज के दो प्रमुख जाति एडीज एजिप्टी, एडीज एल्पोपिक्टस है। एडीज का पहचान नॉर्मल मच्छर से वो छोटे होते हैं और गहरे कलर के होते हैं। उनकी बंधी हुई टांगे होती हैं और शरीर और टांगों में सफ़ेद चिकत्ते होते हैं। डेंगू के लक्षण प्रमुख रूप से तीन स्तरों पर विभाजित किए गए हैं। पहला स्तर डेंगू फीवर या डेंगू का बुखार आना, दूसरा स्तर डेंगू हेमरेजिक फीवर, तीसरा स्तर डेंगू शॉक सिंड्रोम। पहले स्तर पे डेंगू फीवर में तेज रूप से बुखार आता है और वह बाईफेजिक इन नेचर होता है। बाईफेजिक मतलब दो दिन बुखार आना, दो से चार दिन बुखार रहता है, उसके बाद दो से चार दिन बुखार नहीं रहता है। यह प्रक्रिया इसी तरह से रिपीट होती है जिसे बाईफेजिक बोला जाता है। इसके अलावा तेज बुखार के अलावा जी मिटलाना, आँखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, भूख ना लगना इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। यह भी अगर ठीक ना हो पाया तब वो दूसरे स्टेज पे चला जाता है जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षणों में नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, पेट में दर्द होना, काला पैखाना होना और पूरे शरीर के चमड़े में लाल चिकत्ते आना जिसे हम रैशेस बोलते हैं, वह भी कॉमनली देखा जाता है। अगर यह स्तर भी अगर ठीक रूप से उपचार ना हो पाया और सही तरह से जांच ना हो पाई तो वह तीसरे स्टेज में चला जाता है जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम में रक्त संचार से संबंधित समस्याएँ दिखाई देती हैं जिसमें डिक्रीज बीपी होना या बीपी का अत्यधिक गिर जाना जिसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाना यह भी दिखाई दे सकता है। इस स्तर पर अस्पताल में भर्ती होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मली प्लेटलेट की संख्या 1.5 से 4.5 लाख तक हो सकती है। नॉर्मली देखा जाता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स घटते हैं, लेकिन यह भी बात सच है कि बस प्लेटलेट की संख्या पे डेंगू कंफर्म नहीं होता। डेंगू के कंफर्मेशन के लिए, डेंगू की जांच के लिए उसके दिन और लक्षणों के हिसाब से आपके डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सी टेस्ट कब होनी चाहिए। जैसे कि कॉमन ब्लड टेस्ट में आपके प्लेटलेट और WBC डिक्रीज हो सकते हैं जबकि PCV और हेमाटोक्रिट इंक्रीज हो सकता है। डेंगू की जाँच प्रमुख रूप से दो प्रकारों में विभाजित की गई है। पहला है प्रत्यक्ष रूप जिसे हम डायरेक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें वायरस या वायरस का कोई हिस्सा जैसे कि प्रोटीन की जांच होती है। इसमें एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट आते हैं। दूसरी जांच अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टेस्ट होती है जिसमें हम एंटीबॉडीज पता करते हैं। इसमें IgM और IgG एंटीबॉडीज की जाँच होती है। मच्छर के काटने से डेंगू के लक्षण होने तक 4 से 14 दिन लग सकते हैं। पहले 5 से 7 दिन तक NS1 एंटीजन या PCR टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। यह दोनों टेस्ट दूसरे टेस्टों के मुताबिक ज़्यादा स्पेसिफिक है और इनकी करीब करीब 100% स्पेसिफिसिटी होती है। 5वें दिन के बाद NS1 एंटीजन हमारे शरीर से धीरे धीरे घटने लगता है और IgM एंटीबॉडीज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 5वें दिन से दूसरे हफ्ते तक IgM एंटीबॉडी की जांच बहुत उपयोगी है। IgM एंटीबॉडीज हमें अक्यूट इन्फेक्शन या नए संक्रमण के बारे में जानकारी देती है और यह एंटीबॉडीज 90 दिनों के बाद हमारे शरीर से लुप्त हो जाती है।
अगर कोई संक्रमण के 3rd से 9वें दिन के बीच में अगर अपनी जांच करवाना चाहता है, तब उसे IgM एंटीबॉडीज और NS1 एंटीजन दोनों की ही जांच साथ में करवानी चाहिए। 2rd से 3rd हफ्ते के बीच IgG एंटीबॉडीज बनते हैं। ये हमें पुराने इन्फेक्शन या पुराने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हैं। डेंगू के कई प्रकार हैं, जिसमें सेरोटाइप 1 से 5 तक आता है। अगर कोई इंसान को डेंगू प्रकार 1 से संक्रमण हो जाता है, तो वह एंटीबॉडीज डेंगू प्रकार 1 के ही विरुद्ध बनाएगा। आगे जाकर अगर वही इंसान को डेंगू टाइप 2 से अगर संक्रमण हो गया, तो पहले बनी हुई एंटीबॉडीज उसके काम में नहीं आएंगी और इस बार भी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं है जिससे वो एंटीबॉडी बना सके। इस स्टेज में IgM या IgG एंटीबॉडी की टेस्ट या जांच कारगर नहीं होती है, इसलिए पहले हफ्ते में जांच करवाना अत्यधिक आवश्यक और बेहतर भी होता है। डेंगू में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? डेंगू में स्वस्थ पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां और जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि तरबूज, कीवी, खीरा इत्यादि। आपको एक दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए और आप उसमें ORS भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर तरल पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि सूप और भिन्न भिन्न प्रकार के जूसेस। यह एक धारणा है कि पपीता खाकर डेंगू ठीक होता है, यह बोलना गलत होगा, क्योंकि अभी प्रमुख रूप से कोई भी एक्सपेरिमेंट पूर्ण रूप से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है जिससे बोला जा सके कि पपीता डेंगू में कारगर है। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें बोला गया है कि पपीते में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं और फाइटोकेमिकल्स प्लेटलेट को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, लेकिन यह इंसानों में अभी तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, तो यह बोलना अभी उचित नहीं होगा। एक दूसरी धारणा है कि क्या हम डेंगू में शराब पी सकते हैं, तो यह भी गलत ही होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें लिवर से पास होती हैं और दोनों ही लिवर को डैमेज करती हैं, तो यह ठीक नहीं होगा कि अगर कोई डेंगू से ग्रसित इंसान है वो अल्कोहल का सेवन करे या शराब का सेवन करे। डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए? पहली चीज़ है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो BP और कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉफ्ट एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर अल्सर फॉर्म हो गया है तो वो अल्सर को और बढ़ाएगा। तीसरी चीज़ है कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए जिससे कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो सके। डेंगू का कोई रामवर्ण इलाज नहीं है। डेंगू का इलाज बेसिकली उसके लक्षण के ऊपर होता है। डेंगू के बुखार के लिए आप पैरासीटामोल की टैबलेट बस ले सकते हैं, जो कि 500 या 650 mg का आता है। उसके अलावा कोई और बुखार की दवा ना ले, जैसे कि डायनापार हुआ, कॉम्बी फ्लेम हुआ, आइबुप्रोफेन हुआ, डिस्पिरिन, एस्पिरिन, ये सब नहीं लेना है, सख्त तौर पे नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्लीडिंग की टेंडेंसी को बढ़ाता है और ये डेंगू को और ज़्यादा सीवियर फॉर्म पे आगे के स्तरों पे वो भेज सकता है। और यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके डॉक्टर ही बता सकेंगे कि आपका इलाज घर पर हो सकेगा या तो हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं, डेंगू से बचा जा सकता है। बेसिकली एडीज मच्छर आर्टिफिशियली ठहरे हुए साफ पानी में पनपती है, तो ध्यान रखें कि जैसे कि आपके कूलर, AC के डक्ट्स, फिर फूलदान या गमले, ऐसे जगह पर या पुरानी कोई टायर पर पानी कलेक्ट ना हो रहा हो या पानी जमा ना हुआ हो। अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं और आपको करना ही है, तो आप उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल सकते हैं या जला हुआ तेल डाल सकते हैं, जिससे कि वो एडीज मच्छर को पनपने ना दे। बाज़ार में बहुत सारे
ऑयल्स आ रहे हैं और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तब भी बचाव ना हो तो आप मॉस्किटो नेट्स और लॉन्ग स्लीव्स के शर्ट और पैंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जगह आपकी कवर ना हो रही हो उसमें आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं। तो डेंगू से बचाव बहुत ही ज़रूरी है और इससे आप बच भी सकते हैं। थैंक यू।